दोस्तों, विज्ञान की मदद से इंसान नए नए जगह की खोज कर रहे हैं। यहाँ तक कि दूसरे ग्रह चांद तथा अन्य ग्रहों पर भी पहुँच चुके हैं। पर समुंदर एक ऐसी जगह है जहाँ के बहुत सारे रहस्य हमसे छुपे हुए हैं। हाँ, हम लोग भी समुंदर पे घूमे हैं, पर क्या सच में हमें उसके सारे रहस्य पता है? आपको यह सुन के हैरानी होगी कि 98% प्राणी समुन्द्र में पाए जाते हैं और उनमें से 70%, सोचे 70% को हम जानते भी नहीं। समुंदर में ऐसे और भी बहुत रहस्य है जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। तो हम आज आपको ऐसे ही कुछ रहस्य के बारे में बताएंगे। पृथ्वी की 70.92% सतह समुद्र से ढकी है। इसका आशय यह हुआ कि पृथ्वी के लगभग 36,17,40,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में समुद्र है। विश्व का सबसे विशाल महासागर प्रशांत महासागर है, जिसका क्षेत्रफल लगभग 16,62,40,000 वर्ग किलोमीटर है। यह विश्व के सभी महासागरों का 45.8% है। प्रशांत महासागर के भीतर जल जंतुओं की एक रहस्यमय दुनिया है जिस पर अभी भी खोज जारी है। प्रशांत महासागर विश्व का सबसे गहरा सागर है। इसकी औसत गहराई 3,939 मीटर है। महासागर को छोड़कर यदि हम सागर की बात करें तो विश्व का सबसे विशाल सागर दक्षिण चीन सागर है, जिसका क्षेत्रफल 29,74,600 वर्ग किलोमीटर है। एक समुद्र का जन्म। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि समुद्र का जन्म आज से लगभग 50 करोड़ से 100 करोड़ वर्षों के बीच हुआ होगा। दरअसल धरती के विशालकाय गड्ढे पानी से कैसे भर गए, यह अनुमान लगाना मुश्किल है। दूसरी ओर इतनी विशालकाय गड्ढे कैसे निर्मित हुए, यह भी एक बड़ा सवाल है। वैज्ञानिक कहते हैं कि जब पृथ्वी का जन्म हुआ तो वह आग का एक गोला थी। जब पृथ्वी ठंडी होने लगी तो उसके चारों तरफ गैस के बादल फैल गए। ठंडे होने पर ये बादल काफी भारी हो गए और उनसे लगातार मूसलाधार वर्षा होने लगी। लाखों साल तक ऐसा होता रहा। पानी से भरे धरती की सतह के लिए विशाल गड्ढे ही बाद में समुद्र कहलाए। ब्रह्मांड में धरती धूल का कण भी नहीं। मान लो अगर धरती धूल के कण के बराबर है तो सूर्य संतरे के बराबर होगा। आज भी इस धरती पर 70% से अधिक जल है। धरती के वजन से 10 गुना ज्यादा इस धरती ने जल को वहन कर रखा है। मानव आबादी धरती के मात्र 20% से 25% हिस्से पर रहती है, उसमें भी अधिकतर पर जंगल, रेगिस्तान, पहाड़ और नदियां हैं। इस 20% से 25% हिस्से पर ही रहस्यों के अंबार लगे हुए हैं। ऐसे में समुद्र के 75% हिस्सों को तो अभी मानव संपूर्ण रूप से देख भी नहीं पाया है। प्राचीन काल से लोग सागर की यात्रा करने और इसके रहस्यों को जानने की कोशिश में लगे हुए हैं। तो समुद्री लहरों का रहस्य। समुद्र की लहरों को समुद्र विज्ञानी ही जानता है। समुद्र की लहरें 3 तरह से पैदा होती हैं। पहली समुद्र की सतह पर बहने वाली हवा, दूसरी चंद्रमा के कारण उत्पन्न हुआ ज्वार और तीसरी समुद्र के भीतर कहीं आया भूकंप। हवा या तूफान से उत्पन्न लहरें भूमि के पास उथले पानी में पहुंचने पर मंद करने लगती हैं, फिर भी कभी कभी इनकी ऊंचाई 30 से 50 मीटर तक हो सकती है। अधिक ऊंची लहरें अस्थिर हो जाती हैं और अंततः सागर तट पर झाग के रूप में टूटती हैं। सुनामी नामक लहरें समुद्र तल पर आए भूकंप या भूस्खलन की वजह से उत्पन्न होती हैं और सागर के बाहर बमुश्किल ही दिखाई देती हैं, लेकिन किनारे पर पहुंचने पर ये लहरें प्रचंड और विनाशकारी रूप धारण कर लेती हैं। चंद्रमा से उत्पन्न लहरें भी कभी कभी विनाशकारी साबित होती हैं। चंद्रमा के कारण दैनिक रूप से 2 बार उत्पन्न होती हैं, सुबह और शाम। यह घटना चंद्रमा द्वारा पृथ्वी पर लगाए जाने वाला गुरुत्व बल के कारण घटित होती है। इसके बाद अमावस्या को समुद्र शांत रहता है, जबकि पूर्णिमा को अशांत। 3 समुद्री गुफाएं। समुद्र की गुफाएं समुद्री लहरों, भूकंपों और ज्वालामुखी के कारण बनती हैं। समुद्र में हजारों तरह की सुरंगें हैं। ये समुद्री सुरंगें पानी से भरी हुई हैं। इन्हीं में से एक है मेक्सिको में। इन सुरंगों का पानी इतना साफ होता है कि गोताखोर पूरी सुरंग का मजा ले सकते हैं। समंदर की बड़ी बड़ी लहरें जब चट्टानों से लगातार टकराती हैं तो उनमें सुराख कर देती हैं, जो धीरे धीरे ये इतने बड़े हो जाते हैं कि गुफाओं की शक्ल ले लेते हैं। इसी तरह इटली की एक गुफा में भी एक और गुफा है। इसके अलावा लावा से बनी गुफाएं अंदर से किसी नदी जैसी दिखती हैं। इस तरह की कई गुफाएं हवाई के द्वीपों पर मौजूद हैं। चीन की रेनबो केव के बारे में कहा जाता है कि कुछ हजार साल पहले यह जगह समुद्र में डूबी हुई थी, लेकिन अब यह खूबसूरत गुफा है। कहते हैं कि कई साल पहले इस जगह पर समुद्र का जलस्तर कम हो गया तो इस केव का जन्म हुआ। चीन के गुलिंग में स्थित यह गुफा इतने रंगों से भरी है कि इसे रेनबो केव भी कहते हैं।
केव के भीतर एक रोमांटिक नदी भी बहती है। यह केव करीब 240 मीटर लंबी है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो जरूर इस वीडियो को लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर देना ताकि वो भी इस रहस्य के बारे में जान सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिए ताकि आपको नए वीडियो के अपडेट की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो इसी के साथ धन्यवाद दोस्तों और जय हिंद।